मेरी आवाज यहाँ पे गूंज रही है। हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शिवाकांत प्रजापति और आप देख रहे हैं शिवाकांत ब्लॉग। तो गाइस, बातें हैं, काफ़ी दिनों बाद मेरी तबीयत थोड़ा सी ख़राब थी, इसलिए आप लोगों को डेली ब्लॉग नहीं दे पा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं गाइस, अपन फ्री हो गया, अब तुमको ब्लॉग देगा खूब अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग हैं देवघाट पुल पे, आप देख सकते हैं जैसा कि ये देवघाट पुल है। और गाइस, हम लोग यहीं पे हैं और जा रहे हैं, अभी बड़ोखर जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे पहाड़ का क्या कैसा नज़ारा रहता है। ऊपर एकदम जाएंगे, वहाँ से मेरी कुछ जुड़ी हुई यादें हैं, जो कि गाइस वहाँ की कुछ यादें हैं किसी के साथ क्या ही बताऊँ गाइस। और आज हमारे साथ हमको ज्वाइन किए हैं संजय, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बात किसी से कर रहे हैं, आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये नदी है जो कि इसमें पानी काफ़ी कम हो गया है और अभी है, फिलहाल है पानी, और हम लोग पुल पे हैं गाइस, आप देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आप चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाएंगे क्या कैसा नज़ारा रहता है। गाइस, आप देख सकते हैं जो कि देवघाट चौराहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा चौराहा है, लेकिन है यार तभी काम चलाऊँ है। और गाइस, आप देख सकते हैं ये वाली जो रोड है, ये जाएगी दरामलगंज ले जाएगी, जो कि इस साइड से आपको एमपी निकाल देगी, और ये वाली रोड आपको इलाहाबाद ले जाएगी, जो कि हम लोग इस साइड से आए हैं और इस साइड जाएंगे हम लोग, बड़ोखर ये वाली रोड जाती है। तो गाइस, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अभी हम चलते हैं बड़ोखर, आपको दिखाएंगे वहाँ का क्या कैसा नज़ारा रहता है। गाइस, तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं संजय भाई तो पीछे हैं, अभी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं गाइस, और अपनी बाबू को खाना खिला रहे हैं संजय भाई। और आप देख सकते हैं यहाँ जंगल में वृक्ष लगाए जा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत जंगल है। हम आपको अभी ऊपर जाके दिखाएंगे क्या कैसा नज़ारा रहता है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे से नज़ारा क्या रहता है, और यहाँ संजय भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं संजय भाई यहाँ से नज़ारा ले रहे हैं, और आप देख सकते हैं गाइस क्या बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाएंगे इस, तो ये जो बड़ोखर है ना, ये कोराँव तहसील का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। यहाँ हम लोग गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, फतह हुई हम लोगों की। आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह जेसीबी से गड्ढा खना गया है, क्योंकि यहाँ पे अब वृक्षारोपण होगा, यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे, अभी जून जुलाई में इसमें पेड़ लगाए जाएंगे गाइस। और गाइस, हम लोग नीचे से कम 200 मीटर ऊपर आए हैं। अच्छा 200, भाई यहाँ पहाड़ पे आके आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बेकार फील हो रहा है क्यों? थक गए यार ऊपर से आते आते, लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है, थोड़ा काफी मजा आ रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जो पीछे वो है वो क्या है, आप बता सकते हैं? अब उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, तब उसके बारे में बताएंगे। पहले ये देखिए चारों तरफ यहाँ से कैसा दृश्य आ रहा है, विजन आप देख सकते हैं, ये सब काफी बेहतरीन लग रहा है गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं अभी हम लोग यहीं पे घूम रहे थे, अभी देखे कि यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, तो हम लोग वहाँ पे थे गाइस, वहाँ पे थे हम लोग, तो हम लोग आए यहाँ पे, देखे कि पीपल का पेड़ है, तो हम लोग इसके पास आए तो देखे कि यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है जिसमें थोड़ा सा पानी है गाइस, बारिश का बचा हुआ पानी है गाइस। और आप देख सकते हैं यहाँ से जो कि नीचे का दृश्य काफ़ी बेहतरीन आ रहा है गाइस। यहाँ पे आने के बाद एक सुकून सा फील होता है अपने आप को, आप यहाँ पे आ सकते हैं घूमने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है, जो कि बहुत छोटी सी जगह है लेकिन बहुत अच्छी जगह है। हम लोग छोटे लोग हैं, छोटी सी जगह छोटे में खुश हो जाते हैं गाइस, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे यहाँ से, सुकून सा मिलता है गाइस। और आपको इधर का कुछ व्यू दिखाते हैं, क्या है संजय भाई? अभी हमको संजय भाई बुला रहे हैं। संजय भाई, तालाब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तालाब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, चलो देखें मछली वछली हो तो पकड़ के खाते हैं
गाइस ये मछली पकड़ने की बात कर रहा है। और गाइस आप देख सकते हैं जैसा कि लोग यहाँ पे आकर पार्टी भी मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चूल्हे का निशान साफ साफ ये दर्शाता है कि यहाँ पे पार्टी होती है। और यहाँ पे जैसा कि दिलकश की बोतल भी मैकी हुई है जो कि दर्शाता है कि यहाँ पे सकते हैं नशेड़ी भी आते हैं, दारू पीने वाले भी। यहाँ पे संजय भाई कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे दिलकश की बोतल दिखाई दी है, इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे दारू पीने वाले भी लोग आते हैं यहाँ पे और इंजॉय करते हैं। गाइस एक अलग सा यहाँ पे फील होता है हमको, गाइस फील हो रहा है तो, और आप लोगों को तो फील होता ही होगा। ये बड़ोखर काफ़ी अच्छा गांव है, गांव के बारे में हमको कुछ कम पता है गाइस, लेकिन यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की वादियाँ, यहाँ की घाटियाँ गाइस, वाह गाइस क्या सनलाइट है गाइस। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ से कुछ रहस्य भरी जुड़ी हुई बातें हैं हमसे, ऐसी बात सिर्फ हम जानते हैं और एक और शख्स है जो कि जानता है। आप देख सकते हैं वही वृक्ष है, यहाँ पे हम एक बार पहले आ चुके हैं, आप देख सकते हैं गाइस ये वही वृक्ष है, ये वही पत्थर है गाइस, ये वही पत्थर है, वही पत्थर है गाइस जिससे किसी का सिर फूटा था। आप लोग गलत मत सोचिएगा गाइस, यहाँ पे कुछ ये बस एक पेड़ है, करौंदे का पेड़ है गाइस बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी से गड्ढे खने गए हैं ताकि यहाँ पे वृक्ष लगाए जा सके, लेकिन ये वाला जो वृक्ष है गाइस छोटा सा है, ये है। यहाँ आने से सुकून फील होता है अपने आप को गाइस। गाइस गाइस तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं ऊपर, आपको दिखाएंगे। आप लोग आइए आइए गाइस, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत गाइस, गला सूख रहा है गाइस, आ जाइए। एक लाइक तो बनता है इस समय, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज करिएगा गाइस। आप देख सकते हैं हम लोगों का गला सूख चुका है, आप एक बार कैमरामैन को कहेंगे इधर दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं क्या वादियां हैं यहाँ की, क्या खूबसूरती है गाइस, इतनी खूबसूरती कहीं नहीं है जितनी यहाँ है। लेकिन यहाँ पानी पीने का प्रबंध नहीं है, करीब में है इंतजार के सब्र की जो घड़ी थी वो ख़त्म हुई गाइस, लेकिन पसीना तो बह गया गाइस हम लोगों का। आइए आइए हम आपको आठ नौ सौ मीटर ऊपर आ चुके हैं गाइस, 800-900 मीटर हम लोग ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हम लोग वहाँ से आए हैं, वहाँ से ऊपर आए हैं, उस साइड गए उस वहाँ से हम लोग आ गए। नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ से दूसरा पहाड़ आप देख सकते हैं जो कि ये कौन सा पहाड़ है, ये बड़ोखर का ही है शायद, बड़ोखर का इधर हरदिया और इधर का पहाड़ है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं एकदम ऊपर, यहाँ पे दो झंडे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी इंडिया का है, ये भी इंडिया का है। हम लोग सोचे दूसरा होगा तो हम लोग निकाल देंगे तब उस पर चढ़ते, लेकिन दोनों इंडिया का है इसलिए नहीं चढ़ेंगे, इसलिए नहीं चढ़ेंगे गाइस। अभी शाम हो गई, आप देख सकते हैं सूर्य जो कि अस्त हो चुके हैं, इसलिए समय ना रहने के कारण हम लोग इस पर नहीं चढ़ रहे हैं। लेकिन गाइस वहाँ पर जो चढ़ के झंडा लगाया है उसको तहे दिल से शुक्रिया, अगर वो वीडियो देख रहा है तो उसको मेरी तरफ से शुक्रिया। और गाइस आप देख सकते हैं इधर का कुछ ये नज़ारा है यहाँ से, और यहाँ से आप देख सकते हैं पहाड़, हम लोग इस साइड हैं, वहाँ से हम लोग आए हैं, काफ़ी दूर से वहाँ से आए हैं, वहाँ हम लोगों का घर है यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर। और आप देख सकते हैं इधर का लगाने का जारी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब गांव है, यहाँ के बड़ोखर पास का गांव है गाइस ये वाला पहाड़। ये कहना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे आइए, एकदम प्राकृतिक चीज़ों को वातावरण कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती है, यहाँ वादियाँ हैं, यहाँ से क्या हवा आती है गाइस, और इधर का आप नज़ारा देखेंगे आप मग्न मुक्त हो जाएंगे गाइस। बस कर ज़्यादा उधर न जाए मरीचा पे, मग्न मुक्त हम लोग हो ही जाओ। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 5:50 हो रहा है गाइस, तो अभी 6 बजने वाले हैं, तो हम लोग अब जा रहे हैं घर की तरफ। अगर आपको इधर का दोबारा आएंगे तो इस पर आप लोगों को चढ़ के दिखाएंगे, काफ़ी बड़ा है गाइस, देखने में छोटा लगता है लेकिन काफ़ी बड़ा है यहाँ ऊपर से। तो सो गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।